चैनल में आपका फिर से स्वागत है और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। पिछली क्लास में मैंने रूस की क्रांति 1917 की पढ़ाई थी। बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जो जाना जाता है 1917 की बोल्शेविक क्रांति या 1917 की रूस की क्रांति, जो विश्व इतिहास में या आधुनिक विश्व के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। रूस की बात करें, यूरोप का एक बहुत बड़ा देश, का बहुत सारा भाग एशिया में भी है, तो रूस जो यूरोपीय देश था, हमने देखा कि यूरोप के सभी देशों में इस समय तक काफी विकास हो चुका था, काफी डेवलपमेंट इन देशों में हो चुका था। उसके बनिस्पत अगर हम देखें तो रूस बहुत ही पिछड़ा देश था, बहुत बड़ा भूमिखंड था, जार का शासन था, जार मतलब रूस में राजा को जार कहा जाता था। हमने देखा पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह बोल्शेविक सरकार के द्वारा रूस में जातशाही का अंत हुआ और रूस में एक नए तरीके का शासन शुरू हो गया। क्योंकि अक्सर हमने क्या देखा है कि मोनार्की होती है, राजशाही होती है, उसके बाद अगर हुआ तो जनतंत्र, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बनती है। बहुत बार हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र बन जाता है, तानाशाही की सरकार जो होती है वो होती है। रूस में भी क्रांति हुई, जार शासन का अंत हुआ और यहां भी एक व्यवस्था लागू की गई और वह व्यवस्था थी, वह सरकार थी साम्यवादी सरकार। साम्यवादी एक सिद्धांत है, इसके बारे में अभी बहुत चर्चा हमें नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ हम शॉर्ट में बता देते हैं कि कार्ल मार्क्स जो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, विचारक थे, उन्होंने लिखा था वर्ग संघर्ष के बारे में। एक तरफ अमीर है, एक तरफ गरीब है, उनके बीच जो है हमेशा संघर्ष चलता रहता है और जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं मुंबई खड़ी रहती है। लेकिन अगर इसका अंत करना है तो साम्यवादी सरकार या समाजवाद ला करके इस वर्ग संघर्ष को दूर किया जा सकता है। तो जब बोल्शेविक सरकार यहां बनी तो उसका भी उद्देश्य यही था कि रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो। हमने देखा कि किस तरह बोल्शेविक दल का प्रभाव इतना अधिक था, लेनिन का प्रभाव इतना अधिक था कि तत्कालीन मेंशेविक सरकार जो थी, जिसकी अस्थायी सरकार थी, वो बोल्शेविक दल के डर से रूस छोड़ के भाग गई, अपनी गद्दी छोड़ करके भाग गई और अंततः 7 नवंबर 1917 को रूस में बोल्शेविक सरकार का निर्माण हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि लेनिन जो है वहां सर्वे सर्वा बनी। अब बात आती है कि क्रांति तो हुई, हमने पढ़ा कि क्रांति क्यों हुई, क्रांति का स्वरूप कैसा था हमने पढ़ा, लेकिन अब बात आती है कि क्रांति के बाद रूस में क्या बदलाव आया या क्या ऐसा चमत्कार हो गया या क्या ऐसी खास बात हो गई क्रांति के बाद, ये सवाल उठता है। तो हमें यह जानना चाहिए कि युद्ध के बाद, सॉरी क्रांति के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन रूस राजनीतिक क्षेत्र में आया, सामाजिक क्षेत्र में आया, आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कैसे? तो आज हम यही पढ़ेंगे कि 1917 ईस्वी के बाद रूस में क्या बदलाव आया और रूस की नई आर्थिक नीति क्या हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर आता है कि लेनिन की आर्थिक नीति क्या थी रूस के लिए, जब बोल्शेविक सरकार बनी तो लेनिन ने क्या किया
बोल्शेविक सरकार बनने के बाद देश के लिए। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ ही हम उसके आगे की भी कुछ चर्चा कर लेंगे, एक ही साथ हम संक्षेप में सब कुछ कोशिश करेंगे अधिक से अधिक बता दिया जाए। और बताने का अर्थ है कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो लेनिन के द्वारा नेप नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, आज भी एनईपी नेप जो है बहुत चर्चा में है हमारे देश में। ये नई एजुकेशन पॉलिसी बना रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वह भी नेप ही कहलाती है। और यह लेनिन के द्वारा शुरू की गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया रूस के लिए, उसके विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, खासकर जो व्यवस्था की गई, जो नई सोच लाई गई, वह पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। और यह लेनिन के बाद स्टालिन के समय में की गई। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि क्रांति के बाद रूस की क्या स्थिति थी। तो क्रांति के बाद रूस की स्थिति कैसी थी, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि जिस समय क्रांति हुई रूस में 1917 में, उस समय रूस प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार में भिड़ा हुआ था। मित्र राष्ट्रों की तरफ से रूस लड़ रहा था। रूस की स्थिति बहुत ही खराब थी। एक तो आंतरिक स्थिति खराब थी, ऊपर से युद्ध भूमि में भी वह बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं था। क्रांति हो गई। हमने देखा पहले मेंशेविक क्रांति हुई। मेंशेविक क्रांति में जनता की इच्छा थी कि सबसे पहले युद्ध को बंद किया जाए, युद्ध से लौटना होगा, रूस जो युद्ध कर रहा है मित्र राष्ट्रों की तरफ से उससे हमें निकलना होगा। मेंशेविक दल की अस्थायी सरकार यह करने में असमर्थ रही। लेनिन की सरकार बनी, बोल्शेविक सरकार, उसने सबसे पहले यही किया कि रूस को प्रथम विश्व युद्ध से किनारे कर लिया। जर्मनी से संधि की, ये अलग बात है कि जर्मनी से संधि करने में रूस को बहुत हानि पहुंची, उसे अपना बहुत सारा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है रूस को देते हैं, जर्मनी को देना पड़ा, बहुत सारे संसाधन जो है उसे देने पड़े, बहुत सारे जुर्माना उस पर लगाया गया रूस पर। सब कुछ लेनिन ने सह लिया कि ठीक है, कम से कम हम युद्ध से अलग होकर के अब हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे। जर्मनी को भी यह फायदे का सौदा लगा, क्योंकि जब रूस किनारे हो जाता तो जर्मनी को एक तरफ से लड़ने से छुट्टी मिल जाती। अब जब रूस युद्ध से निकल गया, तब युद्ध से निकलने के बाद वो युद्ध कर रहा था इंग्लैंड के साथ और फ्रांस के साथ, वो तो खुश नहीं होता कि किस तरह की बात हुई, तुम क्यों निकल गए। तो एक प्रकार से कहा जाए तो मित्र राष्ट्रों जो थे, मित्र राष्ट्र के साथ जो थे, उन देशों का एक दबाव रूस पर बन गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूस के अंदर एक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि जार शाही का अंत हुआ था। जार जो राजा था, जो राज परिवार के सदस्य थे, उन सभी का अधिकार छिन गया था। स्वाभाविक है वो बोल्शेविक नेता या बोल्शेविक दल या बोल्शेविक सरकार के खिलाफ होंगे। इस तरह हम देखते हैं, एक तरफ बोल्शेविक सरकार और एक तरफ विरोधी दल, इन दोनों में संघर्ष होना शुरू हुआ। और अगर कहें तो ये गृह युद्ध की स्थिति बहुत ही खराब थी, बहुत ही चरम पर थी। लेकिन लेनिन या उसके साथी जो इस सरकार को आगे बढ़ाना चाहते थे, इस सरकार को स्थापित करके रूस का विकास करना चाहते थे, वो अपने साहस से, बल से, योग्यता से और जैसे भी हो इन विरोधियों को दबाने के लिए आगे बढ़ गए। इन्होंने विरोधियों को दबा दिया। कहा जाए तो जैसा कि हम लोग को पता है कि रेड आर्मी नाम की एक सेना भी थी लेनिन की, इसके द्वारा
उसके अंदर का जो प्रॉब्लम है और बाहरी क्षेत्र बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम है, इन सब को दूर करने के लिए लेनिन ने पूरे तन मन से अपना काम किया। उसके डेड आर्मी ने भी बहुत ही चाप चौबंद से अपना काम किया। कहने का मतलब ये 3 साल जो थे 17, 18, 19, 20, ये 3 साल 2021 तक हम कहें तो रूस की स्थिति बहुत खराब थी। अब रूस में एक नई व्यवस्था लाने की कोशिश की जाने लगी। जैसा कि हमने बताया कि कार्ल मार्क्स ने अपने पुस्तक दास कैपिटल में कहा था कि राज्य का जो कुछ भी है वह सरकार का है, सरकार के द्वारा ही सबको को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बहुत अमीर होगा, कोई आदमी गरीब होगा, ये उसके सिद्धांत में ऐसा था और यही साम्यवाद का सिद्धांत था। लेनिन इसी को लेकर के चला और इसी से प्रभावित था। सबसे पहले उसने क्या किया, जमींदारों की जो जमीनें थी, बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा भूखंड था उनका, उनसे ले लिया गया और किसानों को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि किसान ही खेती करते थे, जमींदार तो खेती नहीं करते थे, वो तो करवाते थे। तो लेनिन के अनुसार क्या कहना था कि इस भूमि पर किसानों का अधिकार होना चाहिए, ना कि जमींदार का। यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, एक बहुत बड़ा कदम था जो करना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर किसी की जमीन, वो भी बहुत बड़ा बड़ा भूखंड आप किसी से ले लें तो कितना बड़ा विरोध आपको सहना पड़ेगा, कितना विद्रोह हो जाएगा इस मामले को लेकर। और ये हुआ भी, लेकिन लेनिन ने अपने स्तर से उसे दबा दिया, जैसे भी हो उस विरोध को समाप्त कर दिया। संपत्ति का स्वामित्व को खत्म कर दिया। संपत्ति पहले बहुत लोगों के पास बहुत बहुत संपत्ति थी, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इनका संपत्ति बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो इनके अंदर काम कर रहे हैं वो बेचारे के बेचारे बने हुए हैं। तो इस बात को खत्म किया गया, सारी संपत्ति राज्य की। कारखानों पर मजदूरों का अधिकार हो गया। कारखाने किसके होते थे? कारखाने होते थे बड़े बड़े पूंजीपतियों के, बड़े बड़े उद्योगपति होते थे, अमीरों के होते थे। इनके यहाँ ये मजदूर काम करते थे और भूखे प्यासे बहुत ही गरीबी में, ना इनके रहने की अच्छी व्यवस्था थी, ना खाने की अच्छी व्यवस्था थी, ना स्वास्थ्य पर कोई ध्यान दिया जाता था। कुल मिला जुला कर मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब थी। दूसरी तरफ ये पूंजीपति या उद्योगपति या ये अमीर पूरे ऐसो आराम के साथ रहते थे। लेनिन ने क्या किया, जितने भी ये बड़े बड़े कारखाने हैं सभी को राज्य के अंदर दे दिया कि ये सब राज्य का है। उद्योगपति पूंजीपति जो भी होंगे इसके मालिक, वो तो नाराज होंगे लेनिन से, लेनिन की व्यवस्था से नाराज होंगे, लेकिन लेनिन ने ऐसा किया। और जैसा कि मैंने भी बताया कि उसने हर विद्रोह को अपने स्तर पे दबा दिया। कहा जाता है कि लेनिन ने जो बोल्शेविक क्रांति की और जो बोल्शेविक सरकार बनाई वो रथहीन थी, एक बूंद भी उसमें खून नहीं गिरा था। लेकिन जब सरकार बन गई, बोल्शेविक सरकार, साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई, उसके बाद रूस में बहुत खून बहा। वो जो खून नहीं बहा था वो सारा क्षतिपूर्ति बाद में हो गया, क्योंकि जितने भी विरोध होते थे साम्यवादी के खिलाफ, समाजवाद के खिलाफ, लेनिन के खिलाफ, उसे निशंसता पूर्वक दबा दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था, विरोधियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर के उसे बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कारखानों पर मजदूरों का अधिकार हो गया। जितने लोग राष्ट्रीय ऋण लिए हुए थे, पहले बहुत लोग उधार लिए हुए थे, सरकार से कर्ज लिए हुए थे, उन सबको माफ कर दिया गया कि ठीक है तुम्हें कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है। श्रम आवश्यक हो गया। अब किसी को बैठे बिठाए खाना नहीं मिल सकता था। 18 साल के बाद मताधिकार का प्रयोग आप कर सकते थे, लेकिन तभी जब आप कोई ना कोई शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम कर रहे हैं। कोई भी यह बैठ कह के नहीं खा सकता था कि अरे मैं तो बड़ा अमीर का बेटा हूँ, मैं तो था बड़ा उद्योगपति का बेटा, मैं बड़ा उद्योगपति था। तो ये सब सिस्टम खत्म। आप काम करें, चाहे जैसा भी काम करें, आपके बल पास शक्ति है, आप
हाथ पैर से काम करें, अगर आपके पास दिमाग है तो आप दिमाग से काम करें, लेकिन काम आपको करना है, यह एक आवश्यक श्रम को कर दिया गया। बहुत सारी गुप्त संधियां हुई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस जा रहा था तो मित्र राष्ट्रों के साथ, बहुत सारे यूरोपीय देशों के साथ बहुत सारी संधियां की गई थी, हम तुम्हारा साथ देंगे तो तुम ऐसे करना, तुम हमारा साथ दोगे तो हम ऐसा करेंगे, जो संधियां होती है, इन सारी संधियों को समाप्त कर दिया गया कि इन सब संधियों को अब हम नहीं मानते, ये हम निरस्त करते हैं, अब हमारी सरकार अलग है, ये पुरानी सरकार में हुई थी, ये अब हम नहीं चाहते, ठीक है। राष्ट्रीयता का सिद्धांत लागू किया गया, समान शासन व्यवस्था पूरे रूस में एक तरह की शासन व्यवस्था लागू की गई, चर्च का प्रभाव को समाप्त किया गया। यह भी एक बहुत बड़ी बात थी कि इससे पहले चर्च की प्रधानता थी रूस में, ग्रीक चर्च राजधानी था और इसके हाथों में बहुत सारी शक्तियां थी। अगर कहा जाए तो शिक्षा का भी जो है स्रोत यही चर्च होते थे, शिक्षा भी पूर्ण रूप से चर्च के ही अधीन थी। तो इस तरह से चर्च का प्रभाव समाप्त कर दिया गया कि अब चर्च फिजूल के इधर उधर में ध्यान नहीं देगा, वो चर्च है, बस चर्च का काम करेगा। निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई कि सभी को अब निशुल्क शिक्षा मिलेगी, 3 से लेकर 16 साल तक के बच्चे को निशुल्क शिक्षा मिलेगी राज्य की तरफ से, और आगे इनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई कि जो बच्चे शिक्षा लेने लायक हैं, योग्य हैं, जो तेज हैं, वो टेक्निकल शिक्षा लें, वो उच्च शिक्षा लें, वो रिसर्च करें, वो प्रैक्टिस करें, जितना कुछ कर सकते हैं वो एक से एक एक्सपेरिमेंट करें, इसके लिए लेनिन के द्वारा बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया गया। अब हम बात करते हैं विदेशी मजदूरों का स्वागत। अब बोल्शेविक शासन होने के बाद ये बात लोगों ने जानी कि यहाँ पे अब मजदूरों का सम्मान मिलने वाला है, यहाँ पर मजदूरों का शोषण नहीं होगा, यहाँ पे हमें वो हर सुविधाएं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, यह सोचकर यूरोप के बहुत सारे लोग मजदूर के रूप में आने लगे। लेनिन सरकार या बोल्शेविक सरकार ने इसका स्वागत किया कि हाँ भाई आइए, आप आइए हमारे यहाँ काम कीजिए। इसके पीछे फायदा भी था, उत्पादन में वृद्धि होती, हर अगर उत्पादन में वृद्धि होती, चाहे वो कृषि के क्षेत्र का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो, हर जगह अगर उत्पादन में वृद्धि होती तो रूस का विकास होता। इस उद्देश्य से लेनिन ने सबका स्वागत किया कि आप आइए और हमारे यहाँ के काम कीजिए, आपको हर तरह की सुख सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो इस तरह से क्रांति के बाद लेनिन ने यह काम किया, लेकिन लेनिन ने देखा कि इतने समय से युद्ध जारी था, इतने समय से गृह युद्ध चला आ रहा है, रूस अपने आप में बहुत पिछड़ा देश था, ना कृषि के क्षेत्र में उस वहां उन्नति हुई थी, ना उद्योग धंधों के क्षेत्र में उन्नति हुई थी, ना व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई थी या विकास हुआ था। इन सबों को देखते हुए लेनिन ने एक नीति अपनाई, उसे क्या कहा जाता है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। इसे नेट, इसे किसने किया था, लेनिन ने, लेनिन ने इसे शुरू किया था, नई आर्थिक नीति का। सवाल आता है कि नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं, नई आर्थिक नीति क्या है, तो नई आर्थिक नीति, अभी मैंने जो भी बोला उसमें से नई आर्थिक नीति से ही अधिकांश बात संबंधित थी, जैसे कि भूमि पर किसानों का अधिकार, ये काम जो किया गया यह नई आर्थिक नीति का ही एक परिणाम था। इसके अनुसार जमींदार से जमीन ली गई और किसे दी गई, किसानों को। क्यों किसानों को दी गई, क्योंकि किसान ही खेती करते हैं, जमींदार खेती नहीं करते हैं, और किसानों को जमीन देने के बाद यह नीति बनाई गई कि किसान जो खेती करेंगे और जो उपज होगा उसमें से वो अपने लिए रख लेंगे अपना खर्चा, और जो बचेगा वह सरकार को या राज्य को दे देंगे, ये उसकी उसका सिद्धांत था। बड़े बड़े कारखानों को जो है राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, अपने में ले लिया गया, और
सोचा गया कि बहुत अधिक, अब हम सीधे राज्य में आएगा पैसा, उद्योगपति के पास नहीं जाएगा, पूंजीपति के पास नहीं जाएगा, यह जो फायदा होगा, लाभ होगा, वह राज्य को होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र में राज्य ने उसे अपने हाथ में ले लिया, चाहे उत्पादन हो, साधन हो, जैसे कि मान लीजिए कि फैक्ट्री में रिमॉडलिंग करना है या उसमें कुछ नवीकरण करना है, तो वह अभी राज्य का ही काम था, उसे भी उसने अपने हाथ में लिया। जो बैंक के द्वारा जो लेन देन होता था उसे बंद कर दिया गया, अब राज्य के द्वारा ही इन सब कामों को किया जाएगा। वेतन में पैसे नहीं दिए जाएंगे, वेतन में वस्तुएं दी जाएंगी, ये सब लेनिन की नीति थी। इसके अलावा उसने किया कि खेत, तो ये जो है यही उसका मुख्य काम था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इन सब कामों में जो सोचा था लेनिन ने, वह पूरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वाह बहुत खेती हो रही है, अब तो किसान इतना सा रख करके सारा का सारा राज्य को दे ले रहा है, कारखाने से बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है और बस इतना सा रखा जा रहा, बाकी सब चला जा रहा राज्य के पास। ऐसी बात नहीं हुई। अगर हम समीक्षा करें नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो हम यही कहेंगे कि इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। तब लेनिन ने क्या सोचा कि अब इसमें सुधार करना होगा। अब क्या सुधार किया गया? सबसे पहले जो किसानों को जमीन दी गई थी, उसका जो उपज होता था, उसे कहा गया कि ठीक है तुम अपनी उपज को तुम बेच सकते हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको छोड़ दिया गया स्वतंत्र कि ठीक है आप स्वतंत्र होकर के व्यापार कर सकते हैं। बहुत सारे दुकानदार जो यहाँ खरीद करके वहां अपना माल बेच रहे हैं, उसे भी इजाजत दी गई। लेकिन ये अलग बात है कि बाद में छोटे छोटे जो उद्योग है उसे भी राज्य में मिला लिया गया, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार किया गया। अब वेतन के रूप में जो दिया जा रहा था, वस्तुएं दी जाती थी, वो वस्तुएं देनी बंद हो गई और अब उसे पैसा दिया जाने लगा। अब राज्य के द्वारा जो लेन देन होता था, अब बैंक को बीच में लाया गया कि बैंक के द्वारा होगा। इसके अलावा अब नई मुद्रा चली, नई करेंसी चली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेनिन को अपनी नीति में कुछ सुधार करना पड़ा, क्योंकि जब भूमि मिल जाए किसी किसान को और कहा जाए कि बस तुम इतना सा रख करके दे दो, तो कोई भी किसान क्यों बहुत मेहनत करेगा? वो मेहनत नहीं करेगा, भाई इतना निकाल दो, इतना तो हमको लेना, इतना उपज कर लेंगे, बाकी जाए। कारखाने में जो उत्पादन है अब दे दिया गया, नए नए मजदूरों को सौंप दिया गया, अब उनके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं है, अब उस पास टेक्निकल स्किल नहीं है, तो वो कैसे उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा? इसके कारण क्या हुआ? लेनिन की जो यह नीति थी, इससे हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में जो उत्पादन था वह गिर गया था। ना खेती अच्छी हो रही थी, ना उद्योग धंधे से अच्छा उत्पादन हो रहा था। इसी कारण लेनिन को अपनी नीति में सुधार करना पड़ा और जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, जो साम्यवाद का कठोर रूप था, उसे थोड़ा ढीला करना पड़ा। अब समय के अनुसार उसमें कुछ कुछ ढीलापन ला करके उस साम्यवाद को लागू किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी लेनिन के द्वारा की गई एक सार्थक प्रयास थी। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1925-26 तक चाहे खेती का क्षेत्र हो, चाहे कारखाने से उत्पादन हो, इतना अधिक हो गया कि 1914 में जितना उत्पादन होता था, उपज होता था, उतना होने लगा। तो यह लेनिन जो अपनी नीति में थोड़ा सुधार लाया, उससे उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा। अब हम बात करते हैं कि लेनिन के बाद स्टालिन नाम के व्यक्ति आए। लेनिन के मरने के बाद स्टालिन जो है वह एक प्रकार के डिक्टेटर के रूप में रूस में बैठ गए।
और उन्होंने जो काम किया रूस के लिए वह भी रूस को आगे बढ़ाने के लिए ही था। उन्होंने जो काम किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना बनाई गई और पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत टाइम दिया गया कि पहला पंचवर्षीय योजना 1928 से 1933 तक चलेगा। इस योजना में क्या किया गया, कृषि का राष्ट्रीयकरण किया गया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा हर क्षेत्र में विकास करने की कोशिश की गई। कृषि के में राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत क्या किया गया कि जो भूमि है रूस की भूमि, उसमें बहुत सारी बंजर भूमि होती है, उस भूमि को सरकार अपने अंतर्गत रखी और उसका विकास करके वहां से अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक उपज होने लगा। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि सहकारी फार्म बनने लगा। सभी जो बहुत छोटे छोटे खेत थे उन खेतों को मिला करके और एक बड़ा फार्म बना दिया गया। और इस फार्म, ऐसे फार्म भी तीन तरह के होते थे। कहीं पे लोग अपना अपना ये जगह हमारा है, इधर हम खेती कर रहे हैं, उधर वो खेती कर रहा है, हमारे अपने हल बैल हैं, उसके अपने हल बैल हैं, उसके अपने बीज हैं। कहीं कहीं ऐसा होता था कि सभी लोग एक जगह मिला करके खेती करते थे और सबको बांटने का भी तरीका अलग अलग था। तो ये जो काम था इससे दो मत नहीं है कि इससे उत्पादन क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई। कारखाने की ही बात करें, उद्योग धंधे की ही बात करें, तो उसमें भी जो स्टालिन ने जो अपनी नीति अपनाई, जो एक एम बनाया, उसे वो पूरा किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकू से 600 किलोमीटर पाइपलाइन बनाया गया तेल लाने के लिए। यूराल क्षेत्र पर लोहे का कारखाना लगाया गया। ये सारा काम जो है इसलिए किया गया कि रूस का उत्थान। हम देखते हैं कि जो काम, जो पंचवर्षीय योजना 33 तक होनी थी, 1933 में 5 साल होने वाला था, वह 32 में ही पूरा हो गया। हर क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। तेल हो, कोयला हो, वो दुगुना हो उत्पादन होने लगा। लोहा है, वो तिगुना उत्पादन होने लगा। बिजली है, उसका उत्पादन भी बहुत अधिक बढ़ गया। जो अनाज है, उपज है, वो भी 1.5 गुना ज्यादा हो गया। हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हुआ, बहुत ज्यादा उत्थान हुआ। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि उद्योग धंधे से इतनी अधिक समृद्धता मिली, इतने अधिक समृद्ध हुए हुआ रूस कि अब रूस के पास 10,000 हवाई जहाज, उसके पास 20, मैंने हर साल बन रहा है 20,000, उसके पास साल में गाड़ी बन रही है, टैंकर बन रहे हैं, ट्रैक्टर बन रहे हैं, हजारों हजार की मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में 1.25 करोड़ सैनिक हैं। सैनिकों के लिए जो गाड़ियां होती है वह हजारों की संख्या में बन रही है, लाखों की संख्या में अस्त्र शस्त्र तैयार हो रहे हैं। तो इससे हम क्या देखते हैं कि उत्पादन क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। लोहा बना तभी तो इतने अस्त्र शस्त्र बने, लोहा बना, कोयला मिला, बिजली मिली, तभी तो उद्योग धंधे इतने अच्छे हुए। कहने का अर्थ है कि स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना के तहत हर क्षेत्र में बहुत ही उन्नति की। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में रूस बहुत ही कमजोर था। स्टालिन ने शिक्षा के क्षेत्र में भरपूर अपना योगदान दिया कि रूस को शिक्षित भी होना है, और उसमें भी रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक आया। इसके अलावा हम देखते हैं कि संविधान निर्माण की बात की गई, एक संविधान बनाया गया। संविधान में संसद की व्यवस्था की गई, दो सदन होते थे संसद में, एक अध्यक्ष जो राष्ट्रपति के समान होता था उसकी व्यवस्था की गई। इस तरह से एक संविधान निर्माण हुआ और उसके अनुसार रूस को सही तरीके से, मतलब कि रूस को एक सही जगह पे लाने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि स्टालिन ने ऐसा किया, लेकिन इसके बदले में
उसने बहुत लोगों को मौत के घाट उतार दिया, चाहे वो कोई बहुत बड़ा बहुत ही फेमस सेनापति हो, चाहे वो बहुत बड़ा पत्रकार हो, चाहे वो बहुत बड़ा उसका सहयोगी हो। ट्रॉट्स्की जो थे उनको भी जो है स्टालिन ने एक प्रकार से मजबूर कर दिया। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे विरोधियों को इसने अपने रास्ते से हटा करके स्टालिन ने रूस की स्थिति को बहुत ही सुपर बना दिया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होने वाला था उस समय रूस एकदम से मजबूत स्थिति में खड़ा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, एक आमूल चूल परिवर्तन आया। और इसमें लेनिन और स्टालिन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। तो इसके साथ ही आज हम ये चैप्टर यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।